हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ड्रेस के ऊपर बुकरम वाला गला बनाना सिखाऊंगी। क्या हो जाता है, जैसे हम गला तो बना लेते हैं सिंपल, लेकिन बुकरम वाला गला बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको गला बनाना सिखाऊंगी, उसी तरीके से आप कौन सा भी गला बना सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे आपको पहले से ही आपकी कुर्ती की कटिंग करके रखनी है, फिर आपको बुकरम वाला गला जो है उसकी कटिंग करनी है। तो पहले हम गले की कटिंग कर लेते हैं। पहले मैं आपको बुकरम के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे मैंने ये कड़क वाला बुकरम लिया है। इससे क्या हो जाता है, जब भी आप नए सिलाई सिलते हैं, सिलाई का काम करते हो, तो जब आप पेपर कैनवास भी जो मिलता है वो लेंगे, तो आपकी फिनिशिंग ठीक से नहीं आएगी। जब भी आप गला सीखना चाहते हो, तब आपको ये जो कड़क कैनवास होता है रफ, तो उसे आपको लेना है। इससे क्या हो जाता है, आपकी गले के ऊपर फिनिशिंग भी आ जाती है, और जब आपको गला बनाना आता है तब आप पेपर वाला कैनवास जो होता है तो वो लेंगे तो भी चल जाता है। तो पहले मैं आपको इसके ऊपर, ये कड़क कैनवास है, इसके ऊपर बना के दिखाती हूँ कि कैसे करना है। पहले तो कैनवास को आपको सीधा करना है। ये देखिए, पहले हम सीधा कट कर लेते हैं इसे। अब देखिए, यहाँ पे आपको बुकरम को इस तरह से फोल्ड करना है, लेकिन कितना फोल्ड करना है ये आपको देखना है। तो आपका गले की चौड़ाई कितनी है ये पहले आपको देखनी है। जैसे 3 इंच गले की चौड़ाई होगी, तो आपको 4 इंच का बुकरम जो है वो इस तरीके से लेना है। इससे क्या हो जाता है, आपका बुकरम जो है वो ज़्यादा खराब भी नहीं होता और ज़्यादा वेस्ट भी नहीं जाता। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको 3 इंच पे एक मार्किंग करती हूँ। यहाँ पे हमारे गले की चौड़ाई है 3 इंच पे। 3 इंच पे गले की चौड़ाई लेने के बाद आपको इसकी लंबाई लेनी है। तो लंबाई लेनी है हमें 6.5 इंच पे। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 3 इंच लिया है, तो यहाँ पे भी आपको 3 इंच ही रखना है। ये देखिए, अभी यहाँ पे मैं आपको गोल गला बनाना सिखाऊंगी। क्या हो जाता है, पहले आप सिंपल गला बनाएंगे, तभी आप डिजाइन वाला गला बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसका स्क्वायर बनाया है। स्क्वायर बनाने के बाद यहाँ पे आपको इसकी गोलाई देनी है। अभी गले की गोलाई देने के बाद आपको बाहर के साइड से भी 1 इंच की गोलाई देनी है। आपको कितना ब्रॉडनेस चाहिए उतना आपको रखना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच की गोलाई रखते हैं। इस तरह से आपको ये गोलाई जो है वो देनी है। आप नाप के भी ले सकते हैं। यहाँ पे पूरा मार्किंग करनी है। पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये जो मार्किंग किया है गले का, इसके ऊपर ही पहले कटिंग करेंगे। ये देखिए, अभी यहाँ पे आपको इस तरह से ये गोलाई कट करनी है। अब देखिए, यहाँ पे इस तरह से आपको गला जो है वो कट करना है। अब देखिए, आपको दूसरा कपड़ा निकालना है। दूसरा कपड़ा लेने के बाद इस तरह से आपको गले के ऊपर गला जो है ये कपड़े के ऊपर रखना है। अभी गला कपड़े के ऊपर रखने के बाद इसके साइड से हमें आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। तो इस तरह से भी कट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आपको स्क्वायर में कट करेंगे तो भी चल जाता है। ये देखिए, इसके साइज का कपड़ा हमें कट करना पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, गले का आपको पहले सेंटर निकालना है। तो इस तरह से हम गले को क्या करते हैं, इस तरह से अच्छे से रखते हैं और इसका सेंटर निकालेंगे। आप चाहे तो मार्किंग भी कर सकते हैं, नहीं तो कैंची से आप कट भी लगा सकते हो। इस तरीके से आपको ये गले का सेंटर निकालना है। ये देखिए, अभी यहाँ पे आपको चाहिए तो यहाँ पे आप पिन भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ इधर उधर जब हम नए सिलते हैं तो यहाँ पे आपका गला जो है इधर उधर हो जाता है, तो आपको यहाँ पे अलपिन्स लगानी है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हमारी कुर्ती है, कुर्ती को अच्छे से लेना है और कपड़े को आपको अच्छे से रखना है। उसके बाद जो गला है हमारा, कुर्ती का जो गला है हमारा, यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर पे हमें एक कट लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुर्ती का, जैसे गले का सेंटर हमने निकाला है, वैसे ही हमें कुर्ती का सेंटर निकालना है। यहाँ पे बीच में हम नाखून से इसको प्रेस करके यहाँ पे निशान लगाते हैं। ये देखिए,
यहाँ पे हमारा एक निशान आएगा। अब देखिए, पहले तो हम गला तैयार कर लेते हैं, उसके बाद कुर्ती के ऊपर कैसे बिठाना है इसको ये भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अल्पिन्स लगानी है। इससे क्या हो जाएगा, आपका गला इधर उधर नहीं होगा। इस तरह से आपको अच्छे से इसको अल्पिन्स लगानी है। ये देखिए, इस तरह से आपको ये अल्पिन्स जो है वो लगानी है। अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां से सिलाई लगाना शुरू करेंगे किनारी पे। जैसे इस साइड में थोड़ा सा छोड़ के यहां पे सिलाई लगाना शुरू कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ये जो अल्पिन्स मैंने लगाई थी इसको पहले निकालनी है। ये धागा जो है बैक साइड में रखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। इतना गैप होना चाहिए जब हम सिलाई लगाते हैं, तो इस तरह से आपको लेना है। ये देखिए दूसरी अल्पिन्स भी हम निकाल लेते हैं। ये जो अल्पिन्स है इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए यहां पे इतनी दूरी पे हमें ये सिलाई जो है वो आनी चाहिए। इससे क्या हो जाता है, जैसे हमारा बुकरम जो है वो अच्छे से पक्का हो जाता है कपड़े के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आधा इंच का कपड़ा कट करना है। इसके साइड का आधा इंच का कपड़ा जो है उसे आपको कट करना है। पूरे राउंड शेप में आधा इंच कपड़ा छोड़ के आपको बाकी का कपड़ा जो है उसे आपको कट करना है। तो पहले हम कपड़े को कट कर लेते हैं। ये देखिए बाकी का जो कपड़ा था उसे हमने कट किया है। जैसे आधा इंच क्यों लिया हमने, यहाँ पे हमने ये जो कपड़ा जब हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे हमारा कैनवास जो है वो दिखाई देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, जैसे जब भी हम सिलाई लगाते हैं तो हमें कैनवास की किनारी जो है वो दिखनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरे कैनवास के ऊपर कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है। तो चलो सिलाई लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम किनारे पे सिलाई लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से गला जो है वो तैयार किया है। इस तरह से आपको इसे रखना है, उसे अच्छे से इस तरह से लेना है ताकि ये गला जो है वो सेम आना चाहिए, और इसे बीच का सेंटर जो है वो निकालना है। ये देखिए यहाँ पे हमने इसका बीच का सेंटर जो है वो भी निकाला है।
अब देखिए जो हमारी कुर्ती है, कुर्ती का भी सेंटर हमने निकाला था, इस तरह से आपको लेना है। ये देखिए अब यहाँ पे हमारा ये सेंटर जो है, ये गले का भी सेंटर है, सेंटर के ऊपर हमें ये सेंटर रखना है इस तरह से। आप चाहे तो इसको सीधी सिलाई भी लगा सकते हो, नहीं तो अल्पिन से इसको पक्का भी कर सकते हो। ये देखिए अभी ये जो सेंटर है हमारा, ये भी हमारी जो हमने नाखून से प्रेस किया था, इसका हमारा ये सेंटर निकला हुआ है। तो ये सेंटर पे ये गले का सेंटर आना चाहिए, ये सेंटर पे हमारा ये गले का सेंटर और कुर्ती का सेंटर सेम आना चाहिए। और यहाँ पे आपको अल्पिन्स लगानी है, आप चाहे तो अल्पिन्स लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप सीधी सिलाई लगाएंगे तो भी चल जाता है। यहाँ पे इस तरह से आपको सीधी सिलाई लगानी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अल्पिन से इसको पहले पक्का किया है, इस तरीके से लगाना है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो अल्पिन से वो लगाई है। अब जब भी हम कपड़ा ज्वाइंट करते हैं, ये गले के ऊपर इस तरह से कपड़े को ज्वाइंट करते हैं, तब कैसे ज्वाइंट करना है, तो यहाँ पे जो हमारा कैनवास है, यहाँ पे हमारा जो बुकरम है, तो इसके बिल्कुल साथ में हमें सिलाई लगानी है। जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल टच करके, जैसे कैनवास को टच करके हमें ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमें किनारे पे इस तरह से राउंड शेप में सिलाई लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको किनारे पे ये मशीन को रखना है, और इसे जैसे यहाँ पे सेंटर, गले का सेंटर और इसका भी सेंटर हमने निकाला है, तो इस तरीके से आपको ये सिलाई लगानी है। बिल्कुल कैनवास के साथ में सिलाई आनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। गले को आपको फिनिशिंग लानी है, तो इस तरीके से करना है, और हल्के हाथ से आपको राउंड शेप में गले को घुमाते जाना है। ये देखिए ये गले का सेंटर पे सेंटर आना चाहिए। ये जो सिलाई है, यहाँ पे हमारा जो गले का सेंटर है और यहाँ पे हमारा कुर्ती का जो सेंटर है, ये दोनों सेम आनी चाहिए। ये देखिए इसके बिल्कुल साथ साथ हमने ये सिलाई लगाई है। ये देखिए जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने बिल्कुल साथ में इसकी सिलाई लगाई है, ये आपको दिखाई भी देती होगी। ये देखिए कैनवास के बिल्कुल साथ में ये सिलाई लगाई है, कैनवास के ऊपर नहीं आनी चाहिए, कैनवास के साथ साथ में आनी चाहिए। अब इसे आपको क्या करना है, ये अंदर के साइड में गले की आपको कटिंग करनी है। तो थोड़ा सा सिलाई से, थोड़ा सा बाहर के साइड से हम सिलाई कपड़े को कटिंग करेंगे। सिलाई को छोड़ के 2 पॉइंट की दूरी पे हमें इसकी कटिंग करनी है। अभी ये हमारा राउंड शेप का गला है, जहां भी गोलाई आती है वहां पे आपको क्या करना है, इस तरह से कट लगाने हैं। लेकिन सिलाई का ध्यान रखना है, सिलाई बिल्कुल आनी नहीं चाहिए। जब हम कट लगाते हैं उसके बीच में सिलाई नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपका पूरा गला खराब हो जाएगा। पूरे गले के ऊपर राउंड शेप में आपको इस तरह से कट लगाने हैं। अब देखिए अभी यहाँ पे हमने इस तरह से कट लगाया है, अब इसे हमें क्या करना है, इस तरह से अंदर के साइड में इसे फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, तब देखिए इसके ऊपर आप चाहे तो तुरपाई, चाहिए पसंद होगी आपको तो तुरपाई भी बना सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आप इसके ऊपर, गले के ऊपर सिलाई भी लगा सकते हो। अच्छे से इसको इस तरह से लेना है, और इसके ऊपर आपको नाखून से प्रेस करना है।
इससे क्या हो जाता है, ये गला जो है ये हमारा अच्छे से बैठ जाता है। यहाँ पे हमारी जो ये देखिए, यहाँ पे आपको इस तरह से नाखून से इसको प्रेस करना है। ये देखिए यहाँ पे हम बुकरम वाला गला जो है इस तरीके से हमने तैयार किया है। तो यहाँ पे आप चाहे तो स्क्वायर में गला भी इसी तरह से बनाना है या डिज़ाइन वाला गला जो है इसी तरह से बनाना है, सिर्फ यही तरीका आपको यूज़ करना है। अब देखिए जैसे मैंने इस साइड में आपको बताया था कि जैसे बुकरम को हमें आधा इंच कपड़ा जो छोड़ के इस तरह से लिया था, लेकिन ये इस साइड में दिखाई नहीं देता है। जो उल्टी साइड हम लेते हैं तो यहाँ पे हमारा दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक तो तुरपाई करनी है, आपको तुरपाई पसंद होगी तो तुरपाई करनी है, नहीं तो गले के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से किनारी पे एक सिलाई लगानी है और उसके साथ साथ एक दाब का अंतर छोड़ के यहाँ पे आपको दूसरी सिलाई लगानी है, तभी आपका ये गला जो है बुकरम वाला गला जो है वो तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया है, सिर्फ आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस होने के बाद आपको ये गला जो है बहुत अच्छे से बन जाएगा।